हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं लड्डू के लिए प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि आज लड्डू का जन्मदिन है। तो छप्पन भोग में ये भी दो शामिल होगा। तो दो मैं बना रही हूँ, धनिया का पंजीरी और चरणामृत। तो आपके साथ वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई रख दिया हमने, और उसमें दो चम्मच घी डालेंगे, बड़े चम्मच से दो। तो अगर घी गर्म हो जाएगा तो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे, थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा सा हल्का लाइटली। दो चम्मच घी डाल मेरे, ये है ड्राई फ्रूट जो भी पंजीरी में जो डालेगा वो। एक कटोरी धनिया रखी है, बादाम और ये वो सब। तो ये बादाम को अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर आप काजू को भूनेंगे। तो बारी बारी से सब कुछ भून लूँगी, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है प्रसाद बनाने, क्योंकि आज बहुत बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि आज कन्हैया का लड्डू का जन्मदिन है। तो सारे लोग मिल के सेलिब्रेट करेंगे, सत्संग जहाँ पे हर संडे को जाती हैं ना मम्मी। अभी बारिश की वजह से मैं नहीं जा रही थी बच्चों को लेकर, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी जाऊँगी, और बहुत 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 अच्छा लगता है। तो मतलब मैं आज मेरा फास्ट है, और मुझे बिल्कुल भी ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि मुझे भूख लगा है, ऐसा कुछ लगा है। तैयारी करने में इतना मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा है खाने की तरफ, ऐसा कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये धनिया मैंने भून लिया है, अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी मैं। तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, तो मैंने किया। उसके बाद बारी बारी से सब कुछ भून लेना है। उसके बाद ये इलायची है, 5 इलायची मैंने लिया, इसको भी हल्का सा भुनी इसलिए होंगी ताकि वो कूटने में ना पट से कूट जाए, क्योंकि कूटता नहीं है और खलबट्टे में चिपक जाता है वो। तो भुना रहेगा तो वो बारीक होता है। तो ये हो गया फ्राई थोड़ा सा, ये धनिया भी ठंडा हो गया है। तो अब ये मैंने पीस लिया धनिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, वाह। तो फिर से मैंने इसको इसमें घी डाला, 1 चम्मच घी डाला इसमें, क्योंकि ऑलरेडी उसको 2 चम्मच घी डाल के मैंने भुना हुआ था। तो अब ये वापस से हल्का सा मैं भून दूँगी, उसके बाद फिर इसको मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर दूँगी, मतलब थोड़ा सा ये ऐसा उसको डाल दिया। सच में बहुत ही अच्छा बनता है ये। मैंने ना अपने गांव में भी देखा था कि जब जन्माष्टमी होती थी ना, कृष्ण जन्माष्टमी, तो जिसके जिसके घर भी जो भी लोग मनाते थे ऐसे ही प्रसाद मिलता था। तो मैंने वहाँ से सीखा है। और ये मैंने शक्कर पीठ बोलते ना, बारीक शक्कर पीस के वो डाला है, क्योंकि खड़ी डालती ना तो एकदम कड़क कड़क सा हो जाता, एकदम चिपचिप सा हो जाता। तो ये पूरा हो गया, ये देखिए बन के मेरा रेडी हो गया है। इसका आप लड्डू भी बना सकते हैं। और ये पैकेट का दूध, अब दूध तो मिल नहीं रहा है यहाँ शहर में, कहाँ मिला, तो पैकेट का गाय का दूध मैंने लिया है। ये बना रही हूँ चरणामृत। तो दूध डाला है 1 गिलास के आसपास। उसके बाद ये शहद डाला है 1 चम्मच। उसके बाद दही डाला, एक गंगा जल डाला है, और वो शक्कर डाला था। दही अभी डालना है। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले बना के रखी थी और अब मैं एडिट कर रही हूँ। तो ये मैंने दही डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, शहद डाल दिया। अब आपके पास मखाना है तो आप मखाना भी डाल दो, और तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर डाल देना प्रसाद के टाइम। तो ये अब बना रही हूँ मैं सिंघाड़े के का जो आटा होता है उसका हलवा, कि दो बनाना था तो दो, एक सिंघाड़े का आटा का ये बना दिया मैंने। तो अब इसको भून लिया, इसमें शक्कर डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा जो भी ड्राई फ्रूट बचा था वो डाल दूँगी। उसके बाद अच्छे से भून गया अच्छे से ये, अब इसमें मैं डालूँगी पानी, 1 गिलास पानी डाला, 1.5 गिलास पानी डालना है, क्योंकि ये बाद में ज़्यादा होता है ना, तो पानी कम अगर हो जाएगा तो अच्छे से पकेगा नहीं। तो 1.5 गिलास पानी डाल दिया मैंने, और इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर दूँगी, ताकि उसमें ना गोल गोल जो दिखता है ना वो नहीं होना चाहिए, ताकि इसको बर्फी शेप में देना है, क्योंकि लेके जाना है ना वहाँ पर सत्संग जहाँ हो रहा है। तो उसको अच्छे से पूरा गाढ़ा करके उसको बर्फी का शेप देना है। तो थाली में घी लगा दिया, घी लगाने के बाद फिर उसमें रख के, देखिए मैंने कैसे किया, हाथ जल रहा था, गरम गरम था, तो मैंने पानी लगा लगा के उसको अच्छे से फैला देती हूँ। अभी हाथ जल गया था यहाँ पे मेरा।
और उसके बाद देखिए अब पानी लगा लिया हाथ में, पानी लगा लगा के उसको अच्छे से चिपका रहे। एक्चुअली मुझे बड़ी थाली चाहिए थी पर मिली नहीं उस वक्त, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना चीज़ें सामने ही रहती पर दिखता नहीं, तो मैंने फिर ये दोनों हाथ स्टार्ट कर दिए क्योंकि लेट हो रहा था ऑलरेडी। बच्चे को भी तैयार करना था, लल्ला को कृष्णा बनाना था और सिया को राधा बनाना था, तो मैं सोच रही थी फटाफट से ये करूँ। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट बच गए थे तो मैंने ऊपर ही डाल दिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में, ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो। ये अभी फ्रीजर से रख के निकाले, अभी इसको काट देती हूँ। तो काटते वक्त थोड़ा गीला लग रहा था तो थोड़ा टाइम और रखना पड़ेगा इसको फ्रीजर में, ताकि ये थोड़ा और हो जाए। देखिए तो मैंने और रख दिया इसको। चलो बेबी, चले पिट्टू बरा, पिट्टू बरा बेबी का, चलो चलो राधा, चलो कृष्णा, लड्डू, घूमने चलते बेबी। आ गया, चलो जल्दी आओ। लल्लू अच्छा हुआ ना लड्डू का मेकअप, ये मैंने रखा था बिंदी मोर मुकुट। मुंह मैंने लड्डू, अब नीचे जाके ऑटो का वेट करना होगा तब तक मैं। तो फाइनली हम लोग अब निकलेंगे, वहाँ जाएंगे अपने सत्संग जहाँ हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ लड्डू को रेडी किया। और बेबी लड्डू के पीछे ही लगी रहती है, उनका मुकुट, उनके बाल सब नोच नोच लेती है, और उनको लड्डू को बहुत पसंद है। मतलब क्या है ना, बेबी को मेरे लड्डू इतने पसंद है, पूजा करती रहेगी मम्मी ना तो दौड़ के आएगी, घंटी का आवाज़ सुनाने के वो दौड़ के आती है भाग के, और देखने के लिए एकदम बेचैन रहती है। मुझे लगता है बड़ी होके लड्डू की भक्त बनेगी पक्का। तो रेडी होके देखो कितनी क्यूट सी दिख रही है ना पापा के गोदी में ऐसे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ लड्डू को अपने विराजमान कर दिए हैं सब लोग, जितने जिसके भी लड्डू थे वो सब लोग अपने राधा कृष्ण को वहाँ पे विराजमान कर दिए थे। और यहाँ पे बैठ के हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, बेबी भी सुन रही है, पता है बेबी क्लैपिंग भी कर रही थी रुक रुक के। देखिए मम्मी को सेवा मिल गई है, भगवान जी के पास जाके वो सेवा कर रही हैं। नसीब से मिलता है, जिसको जो मिलना रहता है, मुझे तो नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, मिल नहीं पाया मतलब मैं बेबी की वजह से गई ही नहीं, क्योंकि बेबी थी साथ में रो रही तो नेक्स्ट, अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तब मैं जाऊँ। जो किसी के पास अगर एप्पल का मोबाइल होगा अच्छा कैमरा वाला तो मेरा सेवा है फोटो जो वीडियो बनाने के लिए, अगर किसी के पास एप्पल का। ये अभिषेक के लिए लोटा मिला था, मतलब पैसे देने पड़ते हैं जिसको जो भी करना रहता है, और बेबी का बर्थडे भी जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई थी ना तो वो भी सेलिब्रेट किया हमने, तो ये लोटा मिला है इनको अभिषेक कराने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत। हरे कृष्णा, तो राम हरे हरे सबसे कृतार्थोऽस्तु।
प्रवासी का केक सेलिब्रेटिंग कृपया प्रोग्राम होने के बाद के वाइंड अप के लिए बहुत सारे टीम मेंबर की जरूरत है। चलो चलो बेटा, जिसकी इच्छा है वो भेज रुकी है।